आप सभी को नमस्कार। वर्चुअल होने के कारण कई लोगों को मैं दिख नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आप सब लोगों को बैठे यहां देख रहा हूं। मेरी स्क्रीन में आप सब लोग बैठे हैं, आपके चेहरे पर उत्साह है, उमंग है, खुशी है कि सारे क्षेत्र के अंदर बहुत समय तक इन सड़कों की मांग रही थी। जब मैं इलाके में जाता था तो लोग इस इलाके की सड़कों की मांग विशेष रूप से करते थे, और मैंने कहा था इंतजार करो, वक्त आएगा, इन सड़कों की स्वीकृति होगी। 1.5 साल प्रक्रिया में लगा, लेकिन आज इस सड़कों के शिलान्यास हो रहा है। मुझे आशा है हम जल्दी भी इसका लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF के द्वारा 9 साल के अंदर अभी तक 713 करोड़ की सड़कें कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर बन गई है, और कुछ का शिलान्यास हुआ है। सड़कें उस इलाके उस क्षेत्र के लिए विकास के लिए सबसे आवश्यक होती है। सड़कें व्यक्ति के जीवन के साथ साथ उद्योग, व्यापार, एजुकेशन, पर्यटन सब क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए सड़कें बहुत आवश्यक है। और मैं इस इलाके को देखता हूं कि रामगंज मंडी इलाका पूरा सड़कों से कनेक्ट हो चुका है चारों तरफ से। केसाई पाटन इलाका भी सड़कों से कनेक्ट हो चुका है। कुछ इलाके जो कनेक्ट होना बाकी है या जहां पर 4 लाइन सड़कें बननी है, मुझे विशेष ध्यान है, वह भी पाइपलाइन में है। समय का इंतजार करो, समय बदलेगा तो निश्चित रूप से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के हर इलाके की सड़कों की मांगों को तय समय में पूरा किया जाएगा। आज जो सड़कों का आ रहा है उसका विशेष रूप से जब मैं जाता था रामगंज मंडी, तो रामगंज मंडी सुकेत की बहुत सड़कों की बात करते थे। वहां पर आवागमन बहुत था, लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। उस स्वीकृति पहले हुई थी, लेकिन अब जो स्वीकृति होने के बाद रामगंज मंडी से सुकेत की कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी, और आने वाले समय के अंदर इस कनेक्टिविटी से बहुत बड़ा लाभ इस इलाके को मिलेगा। इसी तरीके से अंडरेटा से झाली जी का बराना, जैथल, करवाला की झोपड़ियां, ये इतनी बड़ी मांग थी क्षेत्र की कि मैं जब भी जाता था इस क्षेत्र की बात जरूर लोग चर्चा करते थे। लेकिन मैंने कहा था वक्त इंतजार करो, क्योंकि राज्य सरकार के धन से ये सड़कें छोटी बन पाएगी। पुलिया का पैसा भी कम स्वीकृत हुआ था, लेकिन केंद्रीय सड़क निधि के द्वारा इसमें पर्याप्त पैसा आएगा, और मुझे आशा है कि ये सड़कों का शिलान्यास आज हुआ है, जल्दी ही हम तय समय पर इसका लोकार्पण भी करेंगे। उसी तरीके से बांसी से इंद्रगढ़, जो देई खजूरी पीपरवाला और करो होते तैयार होगी, वो भी एक महत्वपूर्ण सड़क थी। तीसरी सड़क भेरूपुरा ओजा से रोटेदा रोड तक, ये भी सड़क बहुत जल्दी पूरी होगी। इसी तरीके से छोटी छोटी सड़कें जो हम माडा योजना में स्वीकृत कराई है, और पाइपलाइन में जितनी सड़कें अलग अलग लोगों ने दी थी, मैंने वो सड़कों को पाइपलाइन में डाला था। राज्य सरकार ने 26 सड़कों की स्वीकृति जारी कर दी, लेकिन धन के अभाव में फाइनेंशियल स्वीकृति जारी नहीं की थी। मैं सोचता हूँ कि वक्त बदलेगा और 26 सड़कों की फाइनेंशियल स्वीकृति जारी होने के बाद हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगे पूरी हो जाएगी। मुझे याद है कि इस इलाके के अंदर मैं जाता था तो वो तालाब की बात करते थे। आज 100 करोड़ की लागत से कोटा बूंदी के अंदर तालाबों का पुनर्निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस अमृत महोत्सव काल के समय हर संसदीय क्षेत्र में 75 तालाब तैयार होना चाहिए या पुनर्निर्माण होना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि सारे क्षेत्र में 75 तालाब भी पुनर्निर्माण हो रहे हैं, और इन तालाबों का लाभ आने वाले समय के अंदर आसपास के क्षेत्रों का मिलेगा। इसी तरीके से जो बचे तालाब हैं उनकी DPR हमने बना ली है, और बहुत जल्दी
उनकी भी स्वीकृति हो जाएगी, ताकि जितने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के छोटे बड़े तालाब हैं उन तालाबों का भी पुनर्निर्माण कर पाएंगे। मुझे पता है कि कई स्कूल्स वगैरह जो है वो पाइपलाइन के अंदर है, और जो मुझे लगता है कि जो संभावनाएं लगती है जिस तरीके का प्रेस नोट आया है आज आचार संहिता की संभावना है। लेकिन आप निश्चित मानो, जो भी आपने काम दिया है, जो चाहे सीएसआर में दिया है या राज्य सरकार के स्तर पर दिया है, कोई कोशिश में कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हम चाहते हैं इस इलाके का चौतरफा विकास हो, स्कूल अच्छे बने। हमने एक शुरुआत की है, जिन इलाकों के अंदर स्कूल नहीं है हमने सीएसआर फंड से 24 स्कूल शुरू किए हैं। उसी गांव का बच्चा उसी गांव में पढ़ाएगा। ये 24 स्कूल प्रथम चरण में किए, आने वाले समय में जहां 2 किलोमीटर इलाके पर कोई ढानी है, छोटी जगह है, स्कूल नहीं है, वहां भी स्कूल शुरू करेंगे, ताकि बच्चे को जो जा नहीं पा रहा उसको गांव में पढ़ाई मिल सके और आने वाले समय में स्कूल में एडमिशन करा सके। क्योंकि मैंने देखा कि कई परिवार ऐसे थे जो अपन को स्कूल भेजने के नहीं तो उनके पास साधन थे, और इतनी किलोमीटर किस तरीके से भेजे छोटे बच्चों को, ये तकलीफ थी, और इस तकलीफ को हमने दूर करने का प्रयास किया है। इसी तरीके से ऑन व्हील हॉस्पिटल हर घर के दस्तक पर हॉस्पिटल पहुंचा है, ये द्वितीय चरण में दोबारा पहुंचेगा, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। उसकी 27 तरह की जांचें होती, आवश्यक दवाएं मिलती है, किसी को आंखों का ऑपरेशन होता है, आंखों का ऑपरेशन होता है, ऐसे बहुत सारे काम इस संसदीय क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं दोनों विधायक रामगंज मंडी मदन दिलावर जी का, चंद्रकांता जी मेघवाल जी का, और उपप्रमा प्रमुख वीरेंद्र कृष्ण कुमार अहिर जी का, प्रधान पंचायत समिति केशरा पाटन वीरेंद्र सिंह जी का, रामगंज मंडी की प्रधान श्रीमती कलावती जी, और सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सभी पदाधिकारी का, सब कार्यकर्ताओं का। हम सब एक साथ मिलकर सामूहिकता के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए 24 घंटे काम करेंगे और इलाके को सबसे विकसित इलाका बनाने में होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।